हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना उठाना होता है। ठीक है, तो भाई लोगों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। उससे पहले हम आपको एक फिर से दूसरा एक मोटिवेट स्टेज बात बताने वाले हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। ठीक है, कि जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। ठीक है, तो देखो आज हम लेके आए हैं नेट जर्व के फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही शानदार बैच। ठीक है, बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा 4 तारीख से, 4 दिसंबर से। तो सबसे पहले तो सीरियस होके तैयारी के लग जाओ, बहुत शानदार बहुत सुनहरा मौका है। एक बार गया फिर दोबारा से वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगली बार कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि अगली बार फिर हमारा हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कोई प्रोग्राम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेस्ट है अभी इस तरीके से तैयारी करो कि दोबारा का इंतज़ार भी ना करना पड़े। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या सिस्टम होने वाला है, क्या नहीं सिस्टम वाले होने वाला। सबसे पहले नेट जेरफ का बैच मेरा 2 सब्जेक्टों के लिए। पहला सब्जेक्ट है नेट जेरफ का फर्स्ट पेपर जो सभी के लिए बिल्कुल कॉमन है, और दूसरा है मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो यदि आप ज्योग्राफी से हो तो इस वीडियो को बिल्कुल द एंड तक देखें, और यदि आप ज्योग्राफी से नहीं हो और केवल फर्स्ट पेपर के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल फर्स्ट पेपर तक देखें। ठीक है, ध्यान रहे आपको यदि जेरफ निकालना है तो फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि सर सब्जेक्ट तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा नेट नहीं हो पाया, फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा जरफ नहीं हो पाया, फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा स्कोर कम हो गया। अब ये शब्द नहीं सुनने पड़ेंगे आपको कि फर्स्ट पेपर मेरा वीक था। हम आपको बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें स्कोर आपको बहुत अच्छा चला जाएगा। फिर आपके मन में एक अलग सवाल बनेगा कि फर्स्ट पेपर में तो मेरा शानदार स्कोर हो गया लेकिन मेरा सब्जेक्ट उतना शानदार नहीं है जितना फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिस्टम से बताने वाले हैं सबसे पहले कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं बता दूं, मेरा जो पिछला बैच था अभी पेपर हुआ जिसका भी रिजल्ट आया था उसमें टोटल 310 कैंडिडेट थे जिसमें हाईएस्ट मार्क्स थे 82% मार्क्स फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 80+ मार्क्स थे। ठीक है, 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 80+ मार्क्स थे। तो ये बहुत शानदार मौका है आपका जेएफ निकालने का जून में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ओवरऑल टारगेट रहता है कि सभी के 75%+ मार्क्स आएँ। ठीक है, 1 महीने विश्वास करके करो हम पर, फिर आप विश्वास करोगे अपने आप पर। केवल 1 महीना विश्वास करना पड़ेगा फिर आप अपने ऊपर ही बिलीव करने लग जाओगे। इस तरीके से पढ़ाएंगे हम कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, 10 की 10 यूनिट कंप्लीट सिलेबस, 10 की 10 यूनिट पेपर एंड पेपर लेवल के अनुसार। जो 10 यूनिट हैं 10 की 10 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट रूप से पढ़ाएंगे, और वो भी कैसे, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से और वहीं से हम कंटेंट उठाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, पेपर में जो कीवर्ड है, जो पेपर में कीवर्ड होते हैं जिनकी वजह से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, यहाँ पर कीवर्ड आपके इतने स्ट्रॉन्ग करवा दिए जाएंगे क्योंकि कीवर्ड पर यहाँ पर स्पेशल फोकस रखा जाता है। चाहे छोटा कीवर्ड हो चाहे बड़ा कीवर्ड हो, सभी पर स्पेशल फोकस रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑल ओल्ड पेपर 2012 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर करवाए जाएंगे, वो भी यूनिट वाइज तरीके से, वो भी विद फुल डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, आपको पेपर इस तरीके से सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे कि पहले 2012 जून का करवा दिया फिर दिसंबर का, नहीं, आपको यूनिट वाइज तरीके से सॉल्व करवाए जाएंगे पेपर, पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के, फिर इन्वायरमेंट के, फिर कम्युनिकेशन के, फिर हाई एजुकेशन के, फिर रीजनिंग के, फिर लॉजिकल रीजनिंग के, फिर DI के। तो इस तरीके से यूनिट वाइज सारे सारे पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, केवल
लास्ट टाइम हमें पजोखे, ठीक है। इसके अलावा संडे टू संडे आपका मॉक टेस्ट करवाएंगे, संडे टू संडे आपका मॉक टेस्ट होगा जिससे आप अपने आप में परख पाओगे कि हमारी तैयारी किस लेवल तक है। करंट करवाई जाएगी, करंट दिन में बहुत सारी बनती है लेकिन हम यहाँ पर वो करंट करवाएंगे जो नेट ZRF के लिए है। हम बाकायदा बिल्कुल भी एक एक्स्ट्रा करंट नहीं पढ़ाएंगे, केवल हम उसी लेवल का करंट पढ़ाएंगे जो हमारे नेट ZRF के लिए है, ठीक है। वन टाइम रिवीजन अप्रैल में हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद मई में आपका एक बार रिवीजन करवा देंगे, फिर जून का जो टाइम बचेगा समथिंग हम इस तरीके से कम सिलेबस को लेकर चलेंगे कि 20 जून के आसपास पेपर होता है तो उससे 30 दिन पहले हमारा एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो वो टाइम बचेगा 20 से 30 दिन का, उसमें हम आपको यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की PDF प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नोट किए आएंगे। आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे उसी पीरियड में, कम से कम 20 मॉडल पेपर देंगे आपको, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर सिलेबस रेगुलर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चनों का रिवीजन करवाएंगे। इसके अलावा ध्यान रहे स्पेशल फोकस ऑन मैथ रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग DI और RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये जो चार टॉपिक हैं इनके ऊपर आपका इस तरीके से फोकस करवाया जाएगा। आपके ये चारों टॉपिक इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करवाए जाएंगे कि 40 में से 40 आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप चाहे कितना भी आपका मैथ वीक क्यों ना हो, रीजनिंग कितना भी वीक क्यों ना हो, आपको बिल्कुल प्रेपर करवा जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। आपकी मैथ रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग और DI इनकी तैयारी करवाई जाएगी, इनकी तैयारी आपको आपके खुद के एक देसी तरीके से भी करवाई जाएगी। इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको इनके मैथ के मेथड्स के द्वारा भी बताया जाएगा, एक जनरल ट्रिक के द्वारा भी करवाए जाएंगे ये, ठीक है। तो इनके ऊपर बहुत फोकस रखा जाएगा कि यहाँ से 30 जो 40 में से 40 हमारे मार्क्स 100% आए, ठीक है। इसके अलावा ये सारा का सारा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और भाई साहब प्रेजेंट टाइम में जो इसकी फीस है वो पहले 600 रुपये थी लेकिन अब हम 500 रुपये ले रहे हैं ओनली। अब इस बैच का चार्ज मात्र 500 रुपये, ओनली 500 रुपये में फर्स्ट पेपर की आपकी कंप्लीट तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। हम 3500, 2000, 3000, 1500, 1000 रुपये नहीं ले रहे, हम आपसे ओनली 500 रुपये ले रहे हैं। इसमें आपकी बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, और आप यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई साहब 7891 35 04 70 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, 7891 35 04 70, इनके ऊपर आप हमारे से चैट करें और बोलें कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है तो हम आपको बैच ज्वाइन करवा देंगे। चार्ज ओनली 500 रुपये, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी से यदि आप ZRF निकालना चाहते हो, ज्योग्राफी में आप यदि 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो तो भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेट ZRF के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ज्योग्राफी कंप्लीट करवाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। इसके अलावा यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और वे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, जो ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा वो अब की बार जो पेपर हुआ है ज्योग्राफी का उस पैटर्न पर करवाया जाएगा। पहले ज्योग्राफी का पेपर कुछ अलग तरीके से होता था, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, रीजनल प्लान, क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, छोटी छोटी यूनिटों से बिल्कुल कम क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब की बार उल्टा हुआ है, अब की बार छोटी छोटी क्वेश्चनों से ज़्यादा, छोटी छोटी यूनिटों से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और जो ये इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी है यहाँ से कम क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए अब की बार हम ज्योग्राफी की जितनी भी यूनिट हैं, जो 20 यूनिट हैं, इनके ऊपर हम अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, बहुत शानदार तरीके से फोकस करेंगे। अगली बार जून में चाहे किसी भी तरीके से पेपर क्यों ना बन के आए, हमारा बहुत अच्छा स्कोर होगा, हमारा आसानी से 80% प्लस का स्कोर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कंप्लीट करंट
ज्योग्राफी का जितना भी करंट बनता है वो सारा का सारा करंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। संडे टू संडे मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आप अपने आप को परख पाओगे कि हमारी तैयारी किस लेवल तक है, ठीक है। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे हम, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे नेट जेआरएफ, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, आरपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन हैं या इन एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी के जितने भी पेपर हुए हुए हैं और वहाँ से जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं वो हम उठाएंगे और यूनिट वाइज विद फुल डिस्क्रिप्शन आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो इसका भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्योग्राफी की भी मात्र फीस है 500 रुपये, ठीक है। ज्योग्राफी की भी फीस 500 रुपये, नेट के फर्स्ट पेपर की फीस भी 500 रुपये, ठीक है। टोटल फीस 900 रुपये, दोनों सब्जेक्टों की टोटल फीस 900 रुपये। तो आप चाहो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो, बैच बिल्कुल लिमिटेड है, ओनली फॉर 2 डेज, ठीक है। बैच है जो हमारा ओनली फॉर 2 डेज के लिए, तो यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए, बाय।